हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। मेरे साथ में आदि है, सिमु है और भी बहुत सारे लोग हैं। तो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो आज जा रहे हैं हम बरसाना राधा नगरी राधा रानी के पास। हम पहुंच चुके हैं बरसाना राधा जी के गांव। तो ये है राधा जी का प्यारा गाँव बरसाना। ये है बरसाना की बाजार। तो बाजार से होकर जाना पड़ता है हमें मंदिर। बीच में बाजार आती है और ये देख सकते हैं आप मार्केट लगी है। यहाँ पर बहुत सारे लहंगे मिलेंगे लेने के लिए और चूड़ियाँ बिंदी बहुत सारी चीज़ें मिलती है यहाँ पर, जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा ही होगा। तो अब हम चलते हैं लाडली महाराज जी के मंदिर श्री राधिका रानी। तो मैं सभी का वेट कर रही थी, हम लोग आगे आ चुके थे तो सब लोग बस पहुंच चुके हैं। तो बस अब हम अंदर एंटर करेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है, उस वक्त का बना हुआ बहुत ही। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा व्यू है। अब हम जा रहे हैं सीढ़ियों से ऊपर, जो महारानी जी का राधिका रानी जी का मेन मंदिर है उसमें हम अंदर जाएंगे, जहाँ पर सभी लोग दर्शन करने जाते हैं। और मुझे लगता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड था आज। तो ये देखिए इसका मेन गेट है, तो बस हम इसी से अंदर जाएंगे। हमने यहाँ राधा रानी के दर्शन कर दिए हैं बरसाना में, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी अंदर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और फिर भी हम जैसे कैसे आगे निकल गए। और बहुत अच्छा लगा राधा रानी के यहाँ पर दर्शन करके। और यहाँ राधा रानी का स्थान है जहाँ राधा रानी बरसाना में रहती थी, और बस हम वहीं आए थे दर्शन करने, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है दर्शन करके। यहाँ पर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं होता है, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती है, फ़ोटोज़ नहीं ले सकते। थोड़ा बहुत मैंने शूट किया है, मुझे पता नहीं था नहीं ले सकते, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत पहले ही शूट कर दिया था। हम मैं अभी बरसाना में, और ये है यहाँ का बस स्टैंड। अरे हम गोवर्धन पर्वत, तो चलो चलते हैं। हाँ ऐसे जैसे जैसे वहीं जा रहे हैं अब हम। तो यहाँ पर मिलती है फ्री की चाय हर्बल टी, और सब लोग यहाँ फ्री की चाय पी रहे हैं। मम्मी भी फ्री की चाय पी रही है, बहुत अच्छी लगी मसाले वाली फ्री की चाय, मैंने भी पी ली है और ये लोग भी पी रहे हैं। फ्री की चाय पी, हाँ। मासी कैसी लगी फ्री की चाय? फ्री की चाय है मासी ने दिए पैसे। अच्छा भैया आपको कैसे लगी फ्री की चाय? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है ठीक है। तो हमने कर लिए है यहाँ पर गोवर्धन पर्वत के दर्शन। तो ये है पूरा 21 किलोमीटर में फैला हुआ 7 कोस में। तो हमने यहीं से इनके दर्शन कर लिए थोड़ा आगे तक जाकर, और अब जा रहे हैं। हमारी यहाँ पर यात्रा अब संपन्न होती है, जितनी भी ब्रज की हमारी यात्रा थी और वृंदावन से यहाँ तक की। और अब जा रहे हैं हम अपनी बस के पास, तो अब वापस वृंदावन जा रहे हैं। तो हम वृंदावन पहुंच चुके थे, तो वहीं से हम रात में निकल गए और हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। तो ये देखिए गंगा माँ के चरणों में हम पहुंच चुके हैं। तो हमने सोचा चलो गंगा माँ के दर्शन कर लेते हैं, तो हम रात में ही दर्शन करने आ गए। तो अभी जाएंगे हम वापस रूम, कल सुबह आएंगे और गंगा स्नान करेंगे। आज हम हैं हरिद्वार में, आज है 14 तारीख और मकर संक्रांति।
तो हम आज यहाँ पर गंगा स्नान करेंगे, तो बस हम वहीं जा रहे हैं अभी। तो पहले हमने ऑटो लिया था, बट आगे थोड़ा सा रोड बंद होने की वजह से हम थोड़ा सा यहाँ घाट घाट से वॉकिंग जा रहे हैं, और मेरे साथ मम्मा वगैरह और सीमू और भी बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग आगे निकल गए और कुछ लोग हम पीछे आ रहे हैं। देखिए ये गंगा किनारे घाट है यहाँ पर, और मेरे साथ है यहाँ पर मम्मा है, मासी है, आंटी है। स्नान करने हर की पौड़ी चलते हैं और वहीं पर आपसे मिलते हैं। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर हर की पौड़ी, और यहाँ पर आज काफी ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। माँ गंगा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, और जिस मनोरथ को लेकर आप यहाँ पधारे हैं वह आपका सिद्ध हो, सफल हो। साथ ही कृपया ध्यान दें, स्नान करते वक्त क्या नहीं 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 ऊपर अभी डालने, अभी क्या पता रहता, हमने तो रात को जाना है ना। तो गंगा स्नान हमने कर दिया था, उसके बाद हम रूम आए थे, और रूम आने के बाद हम रेडी होकर आए फिर से मार्केट, और अब हम फिर से मार्केट घूमेंगे और जो हमें सामान लेना है वो सामान लेंगे, और उसके बाद आएंगे हम घर। तो हम आए हैं कुशाघाट, कुशाघाट क्या मतलब होता है? तो ये कुशाघाट है हरिद्वार में, यहाँ पर गाय को चारा खिलाया जाता है। हम सभी लोग यहाँ आए और हमने भी गाय को एक करके चारा खिलाया। क्या चीज बोल रहे हो? 20 रुपए में देती हूँ मासी। डाल दो मासी। हाँ जी, कहाँ जा रही है आज सवारी? हम जा रहे हैं शिमला। तो चलो अपना स्कूटर स्टार्ट करो। उसके बाद आए हम इस शॉप में, और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, मुझे तो सारी चीज़ें बहुत पसंद आई, और मैंने काफ़ी सारी यहाँ से ली भी है। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर बैंगल्स है यहाँ पर, बहुत ही प्यारी प्यारी बैंगल्स थी, मैंने काफ़ी सारी बैंगल्स ली है। और यहाँ पर चेन भी बहुत प्यारी प्यारी चेन है, ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर, पूरी गोल्ड की चेन लगती है। उसके बाद हम सभी आए माँ गंगा की आरती में। व्लॉग को करूँगी मैं यहीं एंड। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।